हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एएस कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3, जो कि हमारा थोड़ा सा रह गया था, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन 7 हमें कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कि हमें शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा और बताता हूं। अगर कोई हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं और वो दोनों सेम आ जाए तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बताया था, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या निकाल देते हैं, इनका ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो रो है वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन गया, ये सारा हमने कॉलम बना दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया, क्या ये दोनों सेम है, तो जी हाँ, आप देखेंगे सारा डाटा हमारा सेम है, यानी ए इक्वल टू ए डैश है, यानी ये प्रूफ होता है कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा, हमें इस मैट्रिक्स को शो करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका अगर ट्रांसपोज कर दे और माइनस ऑफ ए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं उस मैट्रिक्स में से, अगर दोनों सेम आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बताया था, तो देखो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालता हूं। तो मैंने ए का ट्रांसपोज कैसे निकाला, ये जो मेरा रो था उसको मैंने कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। ये हमारा ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब मैंने ये मैट्रिक्स लिया, इसमें से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, या तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो भी बात हुई है, मैं निकाल रहा हूं। यहां से मैं माइनस खींचूंगा तो प्लस का किसमें मिल जाएगा, माइनस में, माइनस का किसमें मिल जाएगा, प्लस में, माइनस हो गया प्लस, जीरो का जीरो, माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में और प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, ये भी माइनस प्लस में हो गया। तो हमने इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस ए निकाल लिया हमने। हमने देखा ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों क्या है, आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ये कंडीशन को हमारी फॉलो कर रहा है, यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। दोनों की कंडीशन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है हमारा, एक ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए नहीं, इस बार ये पूरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हम ए निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज जब ऐड कर देंगे वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, हमें ए पहले से गिवन है, मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को मैंने कॉलम में, ये ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को, क्योंकि मुझे ये लाना ना, ये लाना है, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। तो मैंने ये ए मैट्रिक्स ली और यहां मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को ऐड किया, तो 1 1 कितना हो गया, 2 5 6 11, 6 5 11 7 7 4, ये हमारा आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमें इसको प्रूफ करना है, जैसे पहले हमें ए को प्रूफ करना होता था कि ट्रांसपोज, तो डैश निकालते थे और वो इसके इक्वल आ जाता था, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता था। तो इस बार इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होना चाहिए, इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे हम वो इसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हमारा आगे है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये चीज हमारा आ गया था, हम उस पर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो रो को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, ये रो कहां से ला गया, ये कॉलम बन गया, बन गया। हमने इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। हमने देखा जो ट्रांसपोज आया हमारा, इसका जो ट्रांसपोज आया वो वही आ गया है जैसा वो पहले था, देख सकते हैं, जो ट्रांसपोज आया है और जो पहले था उसके जैसा ही सेम आ गया, यानी इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होती ना कंडीशन, ट्रांसपोज इक्वल टू में उसी के मैट्रिक्स था, क्लियर हो रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन सेम है, इस बार हमें कह रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है,
अगर कोई मैट्रिक्स होता है हमारा, उसका ट्रांसपोज स्क्वायर टू आना चाहिए उसी के, अगर मैं माइनस कॉमन ले लू अपना तरीका है, ये कंडीशन है। यहां पर हमें ए के जगह पे ये पूरा दे रखा है, ये पूरा ही हमारा ए मान के चल रहे हैं, यहाँ पर जो ए है वो पूरा ए ही है हमारा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर इस पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये, और ये दोनों चीज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए कैसे करा मैंने, हमें ए मैट्रिक्स गिवन था, मैंने पहले ए का ट्रांसपोज निकाला, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा, रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, आ गया। फिर मैंने क्या किया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला, क्योंकि यही तो हमें क्वेश्चन में चाहिए ना, ये तो हमारा गेम, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वन में से वन गया जीरो, फाइव में सिक्स गया माइनस वन, सिक्स में से फाइव गया वन, सेवन में सेवन गया जीरो, ये हमारा आ गया ए माइनस ए का डेस्ट। अभी हमारा ए मिला है, हमें अभी हमें ए मिला है, अभी क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं इसी भी क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये रो किसमें कन्वर्ट हो जाए कॉलम में, ये रो किसमें कन्वर्ट हो गया कॉलम में। फिर हम क्या करते थे, ये हमारा कौन सा साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा ये होता था उसमें से माइनस कॉमन ले लेते थे, ले लेते थे। तो ये रहा हमारा ये पूरा, इसमें से क्या करूंगा मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का किसमें प्लस में बदल जाएगा, और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और ये जीरो जीरो ऐसे आ जाएगा। हमने क्या देखा, जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और माइनस कॉमन लिया इसमें से, ये दोनों क्या आ रहे हैं, देखो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है आपकी दोनों चीजें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका जो ये लॉजिक है, इस लॉजिक को अच्छे से याद करना है आपको, नहीं याद रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नाइन। हमें क्वेश्चन नाइन गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और सेकंड ये निकालना है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फिर हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए मुझे पहले तो ए चाहिए, फिर ए का ट्रांसपोज चाहिए, उसको मैं फिर टू से डिवाइड कर दूंगा। तो ए तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जीरो को जीरो से ऐड किया जीरो, ए में से माइनस ए को ऐड करूंगा जीरो, ए बी में बी को ऐड करूंगा जीरो, ए में ए को ऐड करूंगा जीरो, जीरो में जीरो को ऐड करूंगा जीरो, सी में सी को ऐड करूंगा जीरो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी ऐड करूंगा जीरो, माइनस सी में प्लस सी ऐड करूंगा जीरो, जीरो में जीरो ऐड करूंगा जीरो। ये हमारा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अभी हमें टू से भी डिवाइड करना है, मैंने क्या किया टू से डिवाइड कर दिया, इस पूरे मैट्रिक्स को वन बाय टू से डिवाइड कर दिया। तो आपको पता जीरो को टू से डिवाइड करूंगी तो जीरो ही आएगा, इन सभी को अगर मैं टू से डिवाइड करूं कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमने ये फाइंड कर दिया, हेलो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड करते हैं हम नेक्स्ट, हमें ये फाइंड करना है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए तो मैंने यहां माइनस कर दिया। ये हमारा ए है और ये इसका ट्रांसपोज है, ये वाला, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो जीरो में माइनस करोगे जीरो तो जीरो ही आएगा, ए में माइनस करोगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ए एन क्या बनेगा टू ए। इस तरह बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह बी और बी मिलकर कितना बनेगा टू बी। इस तरह माइनस ए को जब माइनस ए करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू ए, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। जीरो में जीरो गया जीरो, सी में माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको, और सी और सी मिलकर नाम लेगा टू सी। इस तरह माइनस बी में माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस का टू बी, सी में सी करोगे तो माइनस माइनस ये माइनस सी है ना माइनस का टू सी, जीरो में जीरो माइनस करोगे जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को वन बाय टू से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे टू से डिवाइड करेंगे। जीरो को जब टू से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, टू ए को जब टू से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, टू बी को जब टू से डिवाइड करोगे तो बी आएगा। इस तरह इसको जब टू से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, टू सी को जब टू से डिवाइड करोगे तो आपका सी आएगा,
टू बी को टू से डिवाइड करोगे तो बी आएगा, टू सी को टू से डिवाइड करोगे तो सी आएगा, और जीरो को टू से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। ये हमारा फाइंड कर लिया हमने। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, इन चीजों को यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में। धीरे धीरे आपको सिखाया जा रहा है इन सब चीजों को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तसल्ली से आराम से सीखेंगे। ये आपके एग्जांपल में भी है। हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, गिवन होगा, जैसे कि आपके ये बहुत सारे पॉइंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट उठाया, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, इसको लिखना है आपको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसको कैसे लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। ठीक है जी, इन्होंने कहा हम ये काम करेंगे करें, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही नहीं, चेक कर सकते हैं आप। अगर मैं इसको सिमेट्रिक कन्वर्ट करूं तो ये आएगा आपका 3 5 1 -1। क्या ये इसका ट्रांसपोज है, लेकिन क्या ये वही आ रहा है, ट्रांसफर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। पहला क्वेश्चन वाला भी यही कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, आपको इसको लिखना है। तो लिखना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमें पता है स्क्यू मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, कोई भी मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा, जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, हर मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता कि वो स्क्यू मैट्रिक हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जैसे कि हमने यहां देखा। लेकिन हर मैट्रिक्स को जो सिमेट्रिक नहीं है या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है उनको हम बदल सकते, बना सकते हैं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई, यानी ये हमारा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं इसके अंदर सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि हर मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मौजूद होता है। बात आ रही है क्लियर समझ में, यानी इसके अंदर भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इसको बदलेंगे किसके अंदर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लेकिन कैसे कैसे, याद रखना जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में बदलना हो तो उसके लिए फॉर्म ये आप याद कर लेना, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और टू से डिवाइड कर दो, वो मैट्रिक्स आपके अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 100%। अभी मैं चेक करके भी दिखाऊंगा, और उसको हम नाम दे देंगे कुछ भी, जो हमारा इसको जो बदल के इसको हम किस में बदलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो उसको नाम मैं पी दे दूंगा, पी मैट्रिक्स नाम दे दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना हो, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है लेकिन हमें उसको किसमें बदलना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो आपको करना क्या है, उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करके टू से डिवाइड कर दीजिए, वो अपने आप ही बदल जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आई बात मेरी? हाँ। और उसको नाम दूंगा मैं क्यू। अब हमने क्या कर लिया, अभी आएंगे हम क्वेश्चन के ऊपर, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हमने इसको किसमें बदल दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदल दिया, और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जब आपने उनको दोनों को बदल दिया तो उनको ये करके दिखाना है आपको कि उस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। यानी आपने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला उनको प्लस करके वापस से यही मैट्रिक्स आना चाहिए आपका। ये हमें करना है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, इसको हमें इस तरह लिखना है, यानी हमें ये काम करना है। तो चलिए आपको हर चीज क्लियर होगी होगी, क्या करना है कैसे करना है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले इसका ए डैश या ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। मैंने निकाला, कैसे निकाला, रो को कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब प्लस कैसे किया, 3 में 3 को एड करोगे 6, 5 में 1 को एड करोगे 6, 1 में 5 को एड करोगे 6,
और माइनस वन में जब माइनस वन को एड करोगे तो माइनस टू, ये हमारा आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमें इसको क्या करना है, टू से डिवाइड करना है। तो जैसे मैं इसको टू से डिवाइड करूंगा तो सिक्स को टू से डिवाइड करोगे थ्री हो जाएगा, सिक्स को टू से डिवाइड करोगे थ्री हो जाएगा, सिक्स को टू से डिवाइड करोगे थ्री हो जाएगा, और माइनस टू को टू से डिवाइड करोगे माइनस वन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये पूरा सॉल्व करके आ गया। यानी हमने इस मैट्रिक्स को किसमें बदल दिया, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको नाम मैंने पी दिया। मैंने कहा था ना इसको पी नाम, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, कंडीशन पता है ना, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन बताई थी। तो यहाँ पर हमारा पी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो कैसे क्या रो कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ बिल्कुल सेम है। जो ट्रांसपोज है हमारा वो किसके बराबर में, उसी मैट्रिक्स के इक्वल में है, है ठीक है। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इस फॉर्मूले से जो मैट्रिक्स आता है वो कौन सा मैट्रिक्स आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। अभी हमने अपना आधा काम किया, हमने क्या कर दिया इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदल दिया, आते ना बदल देंगे हम, ये हमने बदल दिया, हमने ये निकाल दिया, यानी अभी हमने पी निकाल दिया, हमारा पी रेडी है। अब मुझे क्या निकालना है, क्यों निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने बता दिया चीजों को, देखते हैं। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलते हैं। देखिए हमें पहले ए का ट्रांसपोज निकालना था, हमने निकाल दिया, आगे रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, यानी थ्री में से जब थ्री को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फाइव में से जब वन को माइनस करेंगे तो फोर आएगा, वन में से जब हम फाइव को माइनस करेंगे तो माइनस फोर आएगा, और माइनस वन में से माइनस वन को माइनस वन में से जब माइनस करेंगे माइनस वन को तो ये जीरो आ जाएगा। यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं टू से डिवाइड करूंगा, फोर को टू हो जाएगा, माइनस फोर का माइनस टू हो जाएगा, जीरो का जीरो, हमने माइनस टू से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया। और इसको मैंने नाम दे दिया क्यू। हमने इस मैट्रिक्स को किसमें बदल दिया, स्क्यू सिमेट्रिक में बदल दिया। प्रूफ करके दिखा देता हूं क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। बताई थी मैंने कि अगर किसी का ट्रांसपोज माइनस उसी मैट्रिक्स के आ जाए, ये बताया था कुछ, तो देखो ये हमारा मैट्रिक्स है, पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। तो रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, फिर मैंने जैसे माइनस ही निकालते थे ना, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू निकाल लिया, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो जीरो आ जाएगा, टू में से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ माइनस टू आ जाएगा, यहाँ माइनस टू में से माइनस निकाल दूंगा तो टू बचेगा और ये जीरो बच गया। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, जी हाँ बिल्कुल ये दोनों सेम है। यानी ये प्रूफ होता है कि ये जो हमारा है ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। हमने दो चीज निकाल दिया, इसको हमने सिमेट्रिक में भी बदल दिया और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक में भी बदल दिया। अब हमें जो ये कंडीशन कह रहा था क्वेश्चन, ये कर देते हैं बस, देखिए तो हमने इसको सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में निकाल दिया। अब मुझे बस क्या करना है, सम करना है, तो सम करने के लिए मैंने पी और क्यू को क्या कर दिया, सम कर दिया, इन दोनों को सम करा, तो थ्री में जीरो ऐड करोगे थ्री, थ्री में टू ऐड करोगे फाइव, थ्री में माइनस टू ऐड करोगे वन, और माइनस वन में जब जीरो ऐड करोगे तो आपका माइनस वन आएगा। और देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है ऊपर, जी हाँ आ गया ना भाई, यानी हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वापिस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसको हमें किस क्या लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको हमने लिख दिया सम ऑफ, लिख दिया ना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ गया वापस वही मैट्रिक्स। तो यहां पर आप वापस से ये लिख दो, लेकिन ए लिख दिया चलता है हमारा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को वापस पीछे करो, एक एक चीज को समझो। बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज सारी डिफाइन करके बता दिया आपको, इसके जो एग्जांपल्स है आप इसको ट्राई कीजिए,
आराम से हो जाएगा जो मैंने मेथड बताया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कह रहा है आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, चाहे कुछ भी हो हमें नहीं पता लेकिन सेम है ऑर्डर, और कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं कह सकता हूं उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये दो पॉइंट मैं लिख सकता हूं, इनको मैं एवन नाम दूंगा। हम ये कंसिडर करेंगे ये चीज यहां मैंने लिखी और इसका ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज लगानी है इसलिए मैंने इसे ट्रांसपोज किया, तो क्या कर सकता हूं इस पूरे पे ट्रांसपोज जाएगा और इस पूरे का ट्रांसपोज जाएगा क्योंकि आपका ये मैंने बताया था प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए पे ट्रांसपोज आता है और बी पे भी ट्रांसपोज आता है, इस तरह इस पे भी ट्रांसपोज आ गया और ये इस पे भी ट्रांसपोज आ गया। एक और प्रॉपर्टी लगाता हूं, देखो जैसे मैं इसको सॉल्व कर, यहां देखो ए बी ट्रांसपोज तो बी पे आ जाता है ट्रांसपोज और फिर ए पे आ जाता है ट्रांसपोज, तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज आगे जाएगा तो ये बी पे ट्रांसपोज आ जाएगा और ए पे ट्रांसपोज आएगा, बी पे यहां पर देखो ए पे ट्रांसपोज आएगा फिर बी पे, यहां जो होता है वो पहले आ जाता है और यहां जो आता है वो बाद में आ जाता है। क्लियर है, ये हमारी आइडेंटिटी। अब मैंने क्या किया, यहां देखो ए के ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूं और बी के ट्रांसपोज को बी, तो मैंने बी के ट्रांसपोज को बी लिख दिया, ए के ट्रांसपोज को ए लिख दिया, यहां से ए के ट्रांसपोज को ए लिख दिया, बी के ट्रांसपोज को बी लिख दिया, माइनस से तो माइनस लगा दिया। अभी मैंने देखा यहां पर मुझे कुछ नहीं, कुछ फायदा ही नहीं हुआ चीज का, हमें ये लाना ये तो अभी आया ही नहीं, मैंने क्या सोचा माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ गया और ये माइनस के लिए ये प्लस में, इसको मैं थोड़ा ढंग वे में लिख देता हूँ, प्लस वाली संख्या आगे लिख दो माइनस वाले को पीछे लिख देता हूँ। हम ऐसे करते हैं, हमने देखा ये जो हमारी मैट्रिक्स थी ए बी माइनस बी है, यहां भी ए बी माइनस बी आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ऐसा कब होता है तो आपको याद होगा ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होता है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल होता है ना, उसका ट्रांसपोज के माइनस इक्वल होता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है ए बी माइनस बी ए, क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहा है हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है ये कंडीशन आपको गिवन है, कह रहा है अल्फा कितना होगा, हमें थीटा यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी कितना होगा, तो हम सबसे पहले ए का डेंस ए का ट्रांसपोज निकाल लें, तो ट्रांसपोज रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को मैंने ही कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया यानी इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो कॉस कॉस मिलकर टू कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया, जब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो साइन 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 और माइनस साइन मिलकर जीरो बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा मिलकर टू कॉस अल्फा आ जाएगा। आ गया, हमें ये कंडीशन गिवन थी कि जो इसको है हम इक्वल टू में रखते थे आई यानी आइडेंटिटी का मैट्रिक्स कर देंगे, तो देखो अब यहां से कंपेयर अगर करा जाए तो ये फर्स्ट साइड ऑर्डर सेम है, एलिमेंट भी सेम होंगे ना, क्यों बताया था ना मैंने, हाँ तो क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉस अल्फा बराबर वन हो जाएगा, अभी टू मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होगा। अच्छा ये बताओ वन बाय टू किस पे होता है, थीटा कितना होता है उस समय, तो आपको पता होगा कॉस पाई बाय थ्री होता है, कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है वन बाय टू। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा पाई बाय थ्री आ गया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में, चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करें आप, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं वहां पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।